नमस्कार दोस्तों, जैसे कि खबर आ रही है कि सूरज की सतह पर फिलामेंट फट गया है, जिसकी वजह से आज धरती से सौर तूफान या सोलर स्टॉर्म टकरा सकता है। इस तूफान के टकराने से धरती पर क्या असर पड़ेगा और हमें इससे घबराने की ज़रूरत है कि नहीं है? वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आज और कल में इस सौर तूफान की धरती से टकराने की संभावना है। सूरज पर आग की लपटों में हलचल तेज़ हो गई है। आपको पता ही होगा कि सूरज एक आग का गोला ही है, जहाँ का तापमान आग जितना गर्म रहता है। अब इसके दो फिलामेंट टूटकर धरती की तरफ आ रहे हैं। इस घटना की जानकारी नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर ने दी है। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्विटर पर कहा है कि 3 मार्च को 25 डिग्री लंबी फिलामेंट सूरज की सतह से टूटकर निकल गया है। इसे वैज्ञानिक भाषा में कोरोनल मास इंजेक्शन कहते हैं और ये एक तरह का भूचुंबकीय तूफान है जो आज यानी 14 अप्रैल को टकरा सकता है। वैज्ञानिकों ने हालांकि इस सौर तूफान को बहुत छोटा कहा है और इसे G1 श्रेणी में रखा है। ऐसे भूचुंबकीय या जियोमैग्नेटिक तूफान को उनके साइज के अनुसार G1 से G5 की श्रेणी में रखा जाता है। इस तूफान को G1 कैटेगरी में रखा गया है, मतलब ये छोटी श्रेणी का तूफान है। G5 तूफान बहुत शक्तिशाली तूफान होते हैं और अगर ये धरती से टकराता है तो बहुत नुकसान होता है। सूरज से एक फिलामेंट 3 मार्च को टूटकर निकला था और दूसरा फिलामेंट एक दिन बाद 4 मार्च को टूटकर निकला था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस तूफान के धरती से टकराने के बाद अब किन चीज़ों पर असर पड़ सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इससे बिजली व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। पावर ग्रिड और पावर प्लांट ठप हो सकते हैं। इस तूफान से आकाश ज़्यादा चमकीला दिखाई दे सकता है। इससे सेटेलाइट और नेविगेशन सिस्टम पर भी असर पड़ सकता है, जिससे इंटरनेट और डिजिटल सेवाएँ कुछ समय के लिए बंद हो सकती हैं। आखिर जियोमैग्नेटिक या भूचुंबकीय तूफान होता क्या है? जब सूरज के वातावरण में सौर हवा से निकली ऊर्जा के आदान प्रदान धरती के पास वाले अंतरिक्षीय वातावरण से होने लगता है, तब हमारी धरती के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ियाँ पैदा होने लगती हैं। इस तरह के सौर तूफान तब आते हैं जब सूरज की हवा से हलचल मचती है, जिससे कि हमारी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में करंट, प्लाज्मा और चुंबकीय दायरे बढ़ जाते हैं। अगर धरती पर G4 या G5 क्षमता वाला तूफान आ जाए तो इससे धरती पर जीवन की दशा बदल सकती है और बिजली से चलने वाली हर चीज़ नुकसान हो सकता है। अब आप सोचिए, बिना बिजली के एक दिन भी रहना पड़ जाए तो क्या हालत होगी? वैसे इस सौर तूफान ने एलन मस्क को बहुत नुकसान पहुंचाया है। स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने जब आसमान के ऊपर छोटे छोटे सैटेलाइट लॉन्च किए थे तो ऐसे सौर तूफान के कारण उनके करीब 40 सैटेलाइट बर्बाद हो गए थे। एलन मस्क दुनिया के हर कोने में संचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए धरती से कुछ 100 किलोमीटर पर बैलून साइज के छोटे छोटे सैटेलाइट लगा रहे हैं, जिससे इंटरनेट हर जगह पहुंच सके, चाहे जंगल हो या फिर वीरान इलाका हो जहाँ इंटरनेट नहीं आता हो। तो सोचिए, G4 और G5 कैटेगरी का जियोमेट्रिक तूफान हो तो हमारी और तुम्हारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ सकता है।